In this topic, we are going to talk about architectural design. So I will be introducing the design phase to you, and then I'll be talking about the levels of design, and then I'll introduce you to the architectural design and some of the design principles that we have to take care of while doing the architectural design. So a quick recap on what we have done so far. We have talked about various process models that we are going to follow in our software development lifecycle. Then we have talked about gathering software requirements. We have talked about software requirement analysis and how to specify the software requirements in your SRS. So moving on to software design, what is a software design? Software design is basically an intermediate level or an intermediate phase between your requirements and the development or the coding phase. So when I'm talking about design, we are now moving from the problem domain, which was there in your software requirement specifications, and moving towards the solution domain. So the output of this phase is that it's a design document that will form the basis of implementing a system. Matlab, ab hum software requirement specifications ko samjhenge aur ek design create karenge jisko dekhte hue jiske bunyad par hum ek code implement kar sakte hain. To is phase ka output hai aapka design document. तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में. हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से. सो इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यू विल आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स नीडेड इन योर सॉफ्टवेयर सिस्टम. आपके सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, वो आपस में कैसे बात करेंगे, आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में. सो यू विल आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, एंड यू विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटा फ्लो डायग्राम विच विल मैप हाउ वेरियस कॉम्पोनेंट्स टॉक टू ईच अदर यूजिंग दैट डेटा. दिस डेटा फ्लो डायग्राम इज सिमिलर टू वॉट यू ड्रू इन योर SRS phase, but yes, here the data flow diagram will also differ in a way that now we will be talking about the solution domain. So the DFT that you will draw will be in the solution domain. We will also be talking about decomposing your system in various functions. I'll come to that later. अब कभी भी आप डिज़ाइन करेंगे या कोई भी काम करने चाहते हैं तो उससे के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. तो सिमिलरली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए. सो देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. यू हैव टू डिज़ाइन कीपिंग दीज टू प्रिंसिपल्स इन माइंड. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज प्रॉब्लम पार्टिशनिंग. प्रॉब्लम को पार्टीशन करना, डिवाइड करना वेरियस पार्ट्स में और फिर उनको सॉल्व करना. तो अब आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम दिया हुआ है, उसको आप पार्टीशन करेंगे अलग अलग पार्ट्स में. तो दिस इज बेसिकली योर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी. आपने जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रियल लाइफ में, कंप्यूटर्स में, सो यू ऑलवेज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स एंड देन यू फोकस ऑन ईच पार्ट इंडिविजुअली. सो यू आर सॉल्विंग ईच पीस सेपरेटली. दिस विल हेल्प यू मॉडिफाई ईच पीस सेपरेटली ऑल्सो. जस्ट रिमेंबर दैट ईच पीस विल रिप्रेजेंट सम रिक्वायरमेंट इन योर सिस्टम. द पीसेस शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बिकॉज कोई इंडिपेंडेंट पीस है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो किसी और से बात नहीं कर पा रहा. सो बट इफ यू विल ऐड कम्युनिकेशन देन इट विल ऐड मोर कॉम्प्लेक्सिटी. इफ इट विल ऐड मोर कॉम्प्लेक्सिटी योर सिस्टम कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो यू वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एज यू मॉड्यूलराइज मोर the cost of your system increases, but partitioning is also important so that you can solve problems easily
and later on, whenever required, you can modify them separately. So there has to be a trade-off. एक बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है कि आप पार्टीशन करें पर ओवर पार्टीशन ना करें. इसका मतलब यह है कि आपको रुकना पड़ेगा पार्टीशन करने से जब आपकी कॉस्ट, पार्टीशनिंग की कॉस्ट आपके सिस्टम की कॉस्ट से बढ़ने लगे, मतलब उसके बेनिफिट्स कम होने लगे. इतनी हो जाए पार्टीशनिंग की कॉस्ट, अगर इतनी ना हो जाए आपकी पार्टीशनिंग की कॉस्ट के आपके ओवरऑल बेनिफिट ही रिड्यूस हो जाए. तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा. अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने दूसरे डिज़ाइन प्रिंसिपल पे. ये है एब्स्ट्रैक्शन. अगर आपको याद हो आपने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है. एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक किसी को दिखाना या रिप्रेजेंट करना और इंटरनल डिटेल्स छुपा लेना. फॉर एग्जांपल, जब मैं स्विच ऑन करती हूँ फैन का, तो मेरे पास एक इंटरफेस है विच इज़ अ स्विच. तो मैं उसको ऑन कर रही हूँ पर मुझे ये नहीं पता कि इंटरनल वायरिंग कैसे हो रही है और वो फैन ऑन कैसे हो रहा है. मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये स्विच ऑन करने से मेरा फैन ऑन हो जाएगा और स्विच ऑफ करने से फैन ऑफ हो जाएगा. तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन है. सो बेसिकली आप सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर दिखा रहे हो. इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स. इट इज़ जस्ट टेलिंग मी दैट दिस बॉक्स इज डूइंग समथिंग बट आई डोंट नो वॉट इज गोइंग इन साइड. आई जस्ट नो हाउ टू प्रेस द नेसेसरी बटन्स और हाउ टू गिव द नेसेसरी कमांड्स. सो यू आर ट्राइंग टू हाइड अननेसेसरी डिटेल्स. एब्स्ट्रैक्शन का इम्पॉर्टेंस डिज़ाइन में इसलिए है क्योंकि जब आप पार्टीशन करते हो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो अब अगर इस प्रॉब्लम को या इस सब सिस्टम को किसी और सब सिस्टम से बात करने की ज़रूरत है, तो इस पता सब सिस्टम ए को ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि सब सिस्टम बी क्या कर रहा है. उसको बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा, सब सिस्टम बी इनपुट एक्स लेगा और आउटपुट वाई देगा. तो इतनी ही ज़रूरत होनी चाहिए एक सब सिस्टम को दूसरे सब सिस्टम से बात करने के लिए. सो इट विल हेल्प यू इन प्रॉब्लम पार्टीशनिंग. इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स कि ओके, आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या कर रहा है. आप एक न्यू सिस्टम कैसे बनेगा उसके बारे में सोच पाएंगे और आप नए सिस्टम बना पाएंगे अगर आप एब्स्ट्रैक्शन को ध्यान में रखते हैं. आप जब एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो एज अ डिज़ाइनर आप कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रोल कर सकते हो अपने सिस्टम की. अब आप जब डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप कैसे बना रहे हैं? सो अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हुए बना रहे हैं. तो अभी आपका पास सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट व्यू है कि कुछ होने वाला है एंड एब्स्ट्रैक्शन विल हेल्प यू ट्रांजिशन फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू मोर कंक्रीट डिज़ाइन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट. वन इज़ योर फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन एंड द अदर वन इज़ योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन. आइए इसके बारे में बात करते हैं. सो फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली कि जब आपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया डिफरेंट फंक्शनैलिटी के ऊपर, डिफरेंट फंक्शन में हर सब सिस्टम अपने आप में कुछ फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर रहा है. सो दिस इज़ फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन. एक फंक्शन है, वो कुछ काम कर रहा है. अगर उसको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है तो वो दूसरा फंक्शन कॉल करेगा और उस फंक्शन से अपना जो भी ज़रूरी काम है वो करवाएगा और वापस वो फंक्शन रिटर्न करेगा कॉलिंग फंक्शन को एंड इट विल मूव ऑन टू डू द नेक्स्ट टास्क. सिमिलरली डेटा एब्स्ट्रैक्शन, अगर आप जानते हैं, अगर आपने जावा या C++ पढ़ी है तो उसमें जनरली आप क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक सिस्टम को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह व्यू करता है. उसमें हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह आइडेंटिफाई करता है एक, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो सिस्टम को अब हमने फंक्शंस में डिवाइड ना करके ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहा है. सो द सिस्टम इज़ इंटरैक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज़ नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन.
इस लेक्चर में मैं फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन यूज करूंगी जब मैं आर्किटेक्चर डिजाइन बनाऊंगी। अब ये तो हमने बात करी कि क्या प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है जब हमने डिजाइन बनाना है। एक किया प्रॉब्लम पार्टीशनिंग और दूसरी बात करी मैंने एब्स्ट्रैक्शन की। अब मैं बात करती हूँ कि डिजाइन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप कैसे कहाँ से शुरू करें डिजाइन बनाना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टॉप डाउन अप्रोच की। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, आप टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। आपने सिस्टम एज अ होल आपने समझा और उसको फिर हायरार्किकली आपने ब्रेक किया सब प्रॉब्लम्स में, जब तक आप लोएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच गए। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। यू नो दैट ओके देर आर 10 स्पेसिफिकेशंस, लेट्स अज्यूम। तो 10 स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आपने अज्यूम कर ले कि अच्छा ये 10 स्पेसिफिकेशन है, मैंने नेक्स्ट लेवल पे सिस्टम को ब्रेक किया कुछ सब प्रॉब्लम्स पे, और उसके बाद मैंने उसके नेक्स्ट लेवल पे और सब प्रॉब्लम्स से ब्रेक किया, और मैं तब तक ब्रेक करती चली गई जब तक मुझे बॉटम लेवल मॉड्यूल्स नहीं मिल गए। फिर मैंने ईच हर मॉड्यूल को इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करी, वही डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच। मैं रिफाइन करती गई हर मॉड्यूल को लोअर या बॉटम या सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स में। जैसे जैसे मैं रिफाइन करूंगी तो मुझे एक क्लियर पिक्चर मिलेगी हर स्टेज पे। ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, हम जनरली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि अच्छा एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से अपने कॉलेज जाना है, तो मैं अपने घर से अगर कॉलेज निकलती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा रूट क्या होगा, मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में जाने के लिए, मैं कौन सी व्हीकल इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि ओके व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आई एम गोइंग टू यूज़, हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू spend, and how much what distance I am going to travel or what route I am going to travel, and then I will go on dividing these problems into sub parts and try to solve them individually. बट इस अप्रोच की एक प्रॉब्लम भी है कि हमें लास्ट तक पता नहीं चलता कि फिजिबिलिटी क्या है। जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तभी आपको पता चलेगा कि क्या इस सिस्टम को बनाना फिजिबल है भी या नहीं। इसके अलावा मेरे पास एक और अप्रोच है, वो है बॉटम अप अप्रोच। तो आप स्टार्ट करेंगे बॉटम मोस्ट मॉड्यूल से। इन मॉड्यूल्स को आप समझ लीजिए जैसे आपके लेगो ब्लॉक्स की ब्रिक्स होती है ना, वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप कंबाइन करते जाते हैं और एक बड़ी बिल्डिंग या एक बड़ा टॉय आप बना लेते हैं। तो सिमिलरली बॉटम अप अप्रोच बॉटम मॉड्यूल से स्टार्ट करेगा। आपको एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ एक एक्सटर्नल इंटरफेस जानते हैं। सो बट बॉटम अप्रोच कहाँ काम आएगी, जहाँ आप एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को रीयूज कर पाएँ। मतलब आपने कोई मॉड्यूल ऑलरेडी लिखा हुआ है और किसी नए सिस्टम में आप उसको रीयूज कर सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप अपने ही सिस्टम में दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजिबिलिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है बॉटम अप अप्रोच में। फिर हम क्या करते हैं, जब मॉड्यूल्स हमारे पास बॉटम लेवल मॉड्यूल्स या सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स होते हैं तो उनको मैं कंबाइन करती जाती हूँ और हायर लेवल्स पर जाते जाती हूँ। जनरली नॉर्मल रियल लाइफ में जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम सिर्फ टॉप डाउन या सिर्फ बॉटम अप अप्रोच नहीं यूज़ करते, हमें दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना आवश्यक हो जाता है। आप जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक अप्रोच पे स्टिक करें, एंड दैट इज़ ओके। मतलब वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, डिज़ाइन इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी, तो आपको जो बेस्ट सूट करे, दोनों अप्रोचेस मिला के आप यूज़ करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स यूज़ करना चाहते हैं, या आपको प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात मैं बात करूँगी मॉड्युलैरिटी की, दैट इज़ ब्रेकिंग योर सिस्टम इंटू वेरियस मॉड्यूल्स। तो
तो इट इज़ क्लोजली टाइड विद एब्स्ट्रैक्शन. हम जब मॉड्युलैरिटी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मॉड्यूल्स आपस में कितने डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हैं. हम चाहेंगे कि मॉड्यूल्स आपस में ज़्यादा डिपेंडेंट ना हों, उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे दूंगी. फिर हम बात करेंगे कि हम मॉड्यूल्स की हायरार्की कैसे बनाएंगे, हाउ दे आर हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड, कौन सा मॉड्यूल है जो बाकी सबको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ द सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल और अ कंट्रोलिंग मॉड्यूल, और कौन सा मॉड्यूल है जो सबऑर्डिनेट या वर्कर है जो सारे काम करके दे रहा है. मॉड्युलैरिटी आपकी डिज़ाइन क्लैरिटी को बढ़ाती है. आप अगर एक मॉड्यूल व्यू देखें सिस्टम का और आपको ये पता है कि हर मॉड्यूल क्या काम कर रहा है, तो आपको सिस्टम का एक अच्छा व्यू, क्लियर व्यू मिल जाता है. एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाती है. मॉड्युलैरिटी कॉस्ट रिड्यूस करती है. क्यों? क्योंकि अगर मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनको टेस्ट करना, जिसने भी कोड किया है वो उसको इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट कर सकता है, डीबग कर सकता है. मेंटेनेंस आसान हो जाती है अगर सिस्टम आपका मॉड्यूलर है. क्यों? क्योंकि अगर एक मॉड्यूल में चेंज किया है तो दूसरे मॉड्यूल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई बग आया, जिस मॉड्यूल में बग आया है उसको आप चेंज करें, उसी को आप मॉडिफाई करें, दूसरों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली कोई आप नया फीचर ऐड करना चाहते हैं, कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, तो एक नया मॉड्यूल इस सिस्टम में ऐड कर सकते हैं. पर एक चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा जब हम मॉड्युलैरिटी की बात करते हैं. आप सिस्टम को ओवर मॉड्युलराइज ना कीजिए, ओवर सिंप्लीफाई मत कीजिए. इसका मतलब यही जो मैंने प्रॉब्लम पार्टिशनिंग में भी कहा कि आपकी कॉस्ट ऑफ मॉड्युलैरिटी या कॉस्ट ऑफ पार्टिशनिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग द एंटायर प्रॉब्लम. ठीक है, अब मैं ये बात करती हूँ मॉड्युलराइज करूँ कैसे, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ डीकम्पोजिंग योर सिस्टम. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कपलिंग, एंड अनदर मॉड्युलैरिटी क्राइटेरिया इज कोहेशन. तो दो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, कपलिंग एंड कोहेशन. फर्स्ट इज कपलिंग. सबसे पहले कपलिंग होता क्या है? कपलिंग विल कैप्चर द नोशन ऑफ डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस विद इन द मॉड्यूल्स. मतलब मॉड्यूल ए और बी हैं तो क्या वो एक दूसरे पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं, क्या वो इंटरडिपेंडेंट हैं, या आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो माइल्डली डिपेंडेंट हैं. सो हाउ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दे आर. हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंस हो मॉड्यूल्स में, जिससे कि मॉड्यूल्स आपस में इतनी ही बात करें कि एक मॉड्यूल में अगर हम चेंज करें तो दूसरे मॉड्यूल पे इम्पैक्ट ना हो. तो हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो, सो दैट द मॉड्यूल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, मॉडिफाइड एंड टेस्टेड सेपरेटली. पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पॉसिबल नहीं है. अगर मॉड्यूल स्टैंड अलोन होगा तो दूसरों से बात नहीं करेगा तो सिस्टम का स्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा अगर आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो. सो दे हैव टू कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट अगर आप मॉड्यूल्स में ज़्यादा डिपेंडेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो एक मॉड्यूल को दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी हो जाएगा कि वो उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या है. तो एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर, आप कम सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब. और अगर डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो अब हम क्या करें, हम किस लेवल तक इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस लाएं, ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो जाती है. तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, जिसके लिए मैं बोलती हूँ कि कपलिंग ना लूज होनी चाहिए. मॉड्यूल्स शुड बी लूजली कपल्ड. मतलब मैं नो कपलिंग की बात नहीं कर रही हूँ और मैं हाई कपलिंग की भी बात नहीं कर रही. मैं बोल रही हूँ कि मॉड्यूल्स शुड बी लूजली कपल्ड, उतनी ही बात करें आपस में जितनी ज़रूरी है, और आपस में इंटरकनेक्शंस जितने कम हो उतना अच्छा है. सो आई वॉन्ट लूज कपलिंग अमंग मॉड्यूल्स एंड आई हैव टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शंस अमंग द मॉड्यूल्स. सो हाईली कपल्ड मॉड्यूल्स विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस
and strong interconnections are not desirable. And you have to decide the level of coupling in the design phase only. So, agar design phase mein coupling ka level decide ho gaya, to usko aap coding phase mein change nahi kar sakte. You cannot come back. So, be very clear about how tightly or loosely coupled your modules are. Coupling, jaisa naam bol raha hai, explanation bol rahi hai, ek inter-module concept hai. So, which is based on your inter-module connections. It is based on the complexity of the interface of a module and how the information is flowing within the module. So, agar aapko loose coupling karni hai, to aapko interface complexity reduce karni padegi. Interface complexity matlab, agar module ne ek dusre module ko call kiya hai, to interface kya hai ki aap call kar rahe hai, number of parameters kaise pass kar rahe hai, kitne pass kar rahe hai, kis order mein pass kar rahe hai, wo return kar raha hai kuch value ya kuch output, to aap usko kaise store kara rahe hai. तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी जब रिड्यूस करनी है तो आप कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम से कम हो, जो आउटपुट हो आप एक ही जगह कैच कर रहे हो, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी. आपकी क्लियर एंट्री और एग्जिट होना चाहिए मॉड्यूल में. इसका मतलब ये है कि आप वाया कॉल या रिटर्न, आप वाया कॉल आपकी एंट्री हो और वाया रिटर्न आपकी एग्जिट हो. कोई ऑब्सक्योर या हिडन इंटरफेस नहीं होना चाहिए. मतलब मैं कोई गो टू स्टेटमेंट ना यूज़ करूँ दूसरे मॉड्यूल में जाने के लिए. मैं कोई शेयर्ड वेरिएबल यूज़ करना अवॉइड करूँ. मुझे उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी ना पता हो. तो आप कोशिश करें कि आप इंफॉर्मेशन सिर्फ पैरामीटर्स के थ्रू पास करें, जितना हो सके पैरामीटर पासिंग करें. दूसरा मॉड्यूल्स को दूसरे मॉड्यूल के इंटरनल्स यूज़ करना अलाउड नहीं है. तो मतलब मान लीजिए अगर आप ऑब्जेक्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो आप पब्लिक डेटा आइटम्स का यूज़ कम से कम करें, जिससे कि दूसरे मॉड्यूल्स इस ऑब्जेक्ट को, क्लास के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर ही ना पाए. और अगेन शेयरिंग या ग्लोबल वेरिएबल्स आप अवॉइड कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन फ्लो भी इम्पॉर्टेंट है. जब आप कपलिंग की बात करें तो आप कोशिश करें कि आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कि अगर ए मॉड्यूल ये कर रहा है तो बी मॉड्यूल में एक्स काम होना चाहिए, अगर ए मॉड्यूल काम टू कर रहा है तो बी मॉड्यूल में वाई काम होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, कि बी की फंक्शनैलिटी डिपेंड कर रही है कि ए में क्या हो रहा है. तो आपको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अवॉइड करनी चाहिए. दूसरा, आप कोशिश करें कि डेटा इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा फ्लो करवाएं. आप जब डेटा इन्फॉर्मेशन फ्लो करा रहे हैं तो ओनली रिक्वायर्ड डेटा आप फ्लो करें. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ और स्ट्रक्चर में मैं स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करना चाहती हूँ, तो अब मुझे क्या पास करने की ज़रूरत है? स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का मार्क्स जो मुझे चेंज करने हैं. क्या मुझे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं है. तो पूरा स्ट्रक्चर ना पास करा के मैं सिर्फ यही दो फील्ड्स जितनी ज़रूरत है उतनी पास कराऊं, तो आपका इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो भी इम्प्रूव हो जाएगा. तो ये बात रही कपलिंग की, कि इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी आप रिड्यूस करें, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अवॉइड करें और डेटा इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें. इसके बाद हम बात करते हैं कोहेजन. तो कपलिंग तो था इंटर मॉड्यूल मॉड्यूल कॉन्सेप्ट, कि आपस में दो मॉड्यूल्स किस तरीके से बात करते हैं. अब बात कर रहे हैं जब हम कोहेजन की, तो हम ये इंट्रा मॉड्यूल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. इंट्रा मॉड्यूल कॉन्सेप्ट मतलब हाउ क्लोजली टाइड टू ईच अदर आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल. सो बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल इटसेल्फ. अब मॉड्यूल ए के अंदर क्या हो रहा है, वो कैसी फंक्शनैलिटी है, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगी जब मैं कोहेजन की बात करूँगी. आपको कोशिश करनी है कि आप रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल्स मैक्सिमाइज करें. कोहेजन हम लूज कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे, सॉरी कपलिंग हम रिड्यूस कर रहे थे, देयर वाज लूज कपलिंग, लेकिन कोहेजन आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे.
तो कोहेजन बहुत टाइप्स की होती है, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताने वाली हूँ, मतलब अभी स्टार्ट करूँगी लोएस्ट से और मूव करूँगी हाईएस्ट पे. सो लोएस्ट टू हाईएस्ट जब मैं मूव कर रही हूँ तो ऐसा कोई लीनियर स्केल नहीं है, पर जनरली कोइंसिडेंटल कोहेजन सबसे लोएस्ट होती है एंड फंक्शनल कोहेजन सबसे हाई होती है. तो मैं स्ट्राइव करती हूँ कि मेरी फंक्शनल कोहेजन हो जब मैं मॉड्यूल्स बनाऊँ. मॉड्युलैरिटी के टाइम आई स्ट्राइव फॉर फंक्शनल कोहेजन. सो कोइंसिडेंटल कोहेजन क्या है कि आपने सिंपली चॉप ऑफ कर दिया है अपने पीस ऑफ कोड को. मैं अवॉइड करूँगी कोइंसिडेंटल कोहेजन जब मॉड्युलैरिटी की बात करूँगी. तो लॉजिकल कोहेजन मतलब एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल एक मॉड्यूल है सेव, तो इट इज़ ट्राइंग टू सेव ऑल टाइप्स ऑफ फाइल, कस्टमर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, एम्प्लॉय फाइल. सो दिस इज लॉजिकल कोहेजन. देन आई टॉक अबाउट टेम्पोरल कोहेजन, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर रिलेटेड इन टाइम. फॉर एग्जाम्पल ऑन इनिशियलाइजेशन डू दिस दिस दिस, बिफोर एग्जिटिंग डू द क्लीन अप ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सो जब आपके मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट, इनिट, एग्जिट, बिफोर, आफ्टर इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ टेम्पररी कोहेसिव एलिमेंट्स होंगे. फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशनल कोहेजन की. सो कम्युनिकेशनल कोहेजन का मतलब ये है कि मॉड्यूल्स आर परफॉर्मिंग, एक मॉड्यूल मोर देन वन फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है. मान लो कि एक मॉड्यूल एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है. जैसे कि मैंने स्विच केस ले लिया, केस ए इज़ फॉर ऐड, केस बी इज़ फॉर सब्ट्रैक्ट, केस सी इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड केस डी इज़ फॉर डिवीजन. फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ कोहेजन इज सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल मतलब एक मॉड्यूल का आउटपुट इज एन इनपुट टू सम अदर मॉड्यूल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी शॉप पर जा रही हूँ तो मेरा बिलिंग मॉड्यूल ने बिल कंप्यूट कर दिया, उसने एक टोटल अमाउंट मुझे बताया और टोटल अमाउंट जो था वो मैंने पेमेंट्स मॉड्यूल को पास कर दिया ये बताने के लिए कि ये पेमेंट एक्सेप्ट करनी है. तो ये हो गई सीक्वेंशियल कोहेजन. अब मैं बात करूँगी फंक्शनल कोहेजन के, विच इज़ डिज़ायरेबल. And this means that all elements form a cohesive unit and they are achieving, they are working to achieve one goal. For example, one functionality computing the square root of a number. So SQRT module hai, it is computing the square root of the number. Area of a triangle module hai, it is computing the area of a triangle. So they are not doing anything else. Area of the triangle module mein agar aap square root function use kar rahe hain तो ये फंक्शन स्क्वायर रूट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फंक्शन विल नॉट कंप्यूट द स्क्वायर रूट. इट इज़ गोइंग टू कॉल द स्क्वायर रूट फंक्शन एंड यूज़ इट्स फंक्शनैलिटी. तो यहाँ फर्क देखिए, ये फंक्शनल कोहेजन फोकस कर रही है ओनली द गिवन टास्क एट हैंड. सो वी विल ट्राई दैट कोहेजन शुड बी हाई एंड कपलिंग मॉड्यूल्स शुड बी लूजली कपल्ड. अगर कोहेजन हाई होती है तो जनरली देखा गया है कि कपलिंग कम हो जाती है. ऐसा कोई कोरिलेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं देखा गया, बट ऐसा नोटिस किया जाता है कि अगर मॉड्यूल के इंटरनल एलिमेंट्स स्ट्रांगली कोहेसिव यूनिट फॉर्म कर रहे हैं तो बाकी मॉड्यूल से वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है. तो मूविंग ऑन, अब मैंने सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, पार्टीशनिंग की मैंने बात कर ली, एब्स्ट्रैक्शन की बात कर ली, मैंने ये बात कर ली कि डिज़ाइन के अप्रोचेस क्या होनी चाहिए, टॉप डाउन या बॉटम अप होनी चाहिए. उसके बाद मैंने बात कर ली कि मुझे मॉड्युलैरिटी चाहिए और मॉड्युलैरिटी अचीव करने के लिए मुझे कपलिंग और कोहेजन के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. अब जब मुझे आर्म्ड विद दिस नॉलेज, How do I create my design from your software requirement specification? So in the next lecture, I will be discussing how to map the software requirement specifications to the data flow diagram, how to derive the design from the SRS, the hierarchical data flow diagram, and common pitfalls while creating a DFT.
Keep asking questions. For any questions, you can write to me in comments and I will try to solve your problems. You can like this video. You can share it with your friends. Sharing is caring. And subscribe to this channel to keep learning. So, goodbye for now.